मोस्ट अवेटेड मूवी भारतीय सिनेमा की बात करो, यानी कि कल की मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है थिएटर्स के अंदर। और इस मूवी को देखने के लिए स्पेशल मैंने एक दिन की छुट्टी ली, इतना ज्यादा एक्साइटेड था इस मूवी को लेकर। हालांकि मुझे इसका ट्रेलर इतना खास पसंद नहीं आया था, बावजूद उसके मुझे इससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन की तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मूवी की स्टोरी की हम बात कर लेते हैं। देखो इस मूवी में जो इसका सबसे पहले जो इसका टाइम जो है, इसकी जो लेंथ है वो 3 घंटे के आसपास रखी गई है। और जो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि कलयुग का समय आ गया है, कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, जहां पर आप अधर्मी देखने को मिल रहा है। और इस कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि का जन्म होने वाला है, जो कलयुग को खत्म कर वापस सतयुग में लेके जाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये मूवी हमें देखने को मिल रही है, जहां पर दीपिका पादुकोण जिन्होंने प्ले किया सुमाती का कैरेक्टर, जो कल्कि को जन्म देंगी यानी कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार को जन्म देंगी। और इनको बचाने के लिए यानी कि सुमाति को बचाने के लिए अश्वत्थामा यहाँ पर हमारे सामने नजर आते हैं, जिसको प्ले किया अमिताभ बच्चन जी ने। इसके अलावा प्रभास जिन्होंने प्ले किया भैरवा के कैरेक्टर, जो एक बाउंटी हंटर है इस मूवी में, जो सुमाति को पकड़कर कॉम्प्लेक्स में ले जाना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी सुख सुविधाएं हैं, मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर साफ पानी है, साफ हवा है और फल फ्रूट है, यानी हर चीज मौजूद है जो आज की डेट में आपको देखने को मिल रही है, वो आने वाले टाइम में नहीं रहेंगी ऐसा हमें देखने को। तो कॉम्प्लेक्स में वो सब चीजें मौजूद हैं और प्रभास यानी कि भैरवा को वहां पर पहुंचना होता है, उसके लिए वो सुमाति को पकड़कर कॉम्प्लेक्स में ले जाना चाहता है। यही इस मूवी की हमें कहानी देखने को मिल रही है। अब बात करें कि मूवी में क्या अच्छा है और क्या बुरा। सबसे पहले जो इसकी कमियां हैं उसके बारे में बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कहानी है इस मूवी की वो मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मतलब कहानी बहुत बढ़िया, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ज्यादा पोटेंशियल था मूवी इस कहानी के अंदर, लेकिन उसको सही ढंग से नरेट नहीं किया है, उसका नरेशन मुझे बहुत ज्यादा वीक लगा। इसके अलावा मूवी में आप देखेंगे शुरुआत का एक छोटा सा सीन है जिसमें अश्वत्थामा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप है, उसको अगर आप हटा दें तो मूवी की स्टार्टिंग काफी ज्यादा अच्छी नहीं रही, बहुत एक डल शुरुआत रही है, बहुत स्लो की शुरुआत रही है, एक क्रिंज कॉमेडी के साथ। मैं कह सकता हूं कि जो इसमें प्रभास का जो करेक्टर है भैरवा, उसकी क्रिंज कॉमेडी हमें देखने को मिलती है, जो बहुत ज्यादा पकाती है मूवी में। आप 2 घंटे तक कह सकते हैं कि मूवी की बहुत ज्यादा स्लो एक स्पीड रहती है, जहां पर आपको कहीं कहीं मन करेगा यार इसके लिए हम मतलब टिकट खरीदी थी, ₹180 मैंने इस मूवी को देखने के लिए दिए, उस ₹180 ने मुझे जाने नहीं दिया कि भाई मुझे लगा कि यार इस मूवी को एटलीस्ट कंप्लीट तो करके जाएं, वरना ऐसा मन हो रहा था कि यार बस छोड़ दे यार, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरियत हो रही थी। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं, इतने ज्यादा क्रिंज कॉमेडी के साथ, और उसमें जो फाइटिंग सीन थे स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में जो प्रभास के हमें देखने को मिल रहे हैं, अश्वत्थामा की बात नहीं कर रहा, अश्वत्थामा और प्रभास की फाइटिंग भी होती है वो एक अलग चीज है, उनकी फाइटिंग काफी बढ़िया थी, लेकिन एक अलग से प्रभास के जो फाइटिंग सीक्वेंस थे वो मुझे वो खास पसंद नहीं आए, बहुत वीक मुझे वो फाइटिंग सीक्वेंस लगे। और इस मूवी में आपको जो भी फ्यूचरिस्टिक व्यू आपको देखने को मिल रहा है वो भी ऐसे लगेगा यार हॉलीवुड की जो मूवीज थी आपने उनसे बस कॉपी पेस्ट कर लिया, चाहे आप गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की बात कर लो, चाहे अवेंजर मूवी की बात कर लो, इन मूवीज से या फिर और भी हॉलीवुड की जो मूवीज है उनसे आपने एज इट इज कॉपी करके इस मूवी में चिपका दिया। चाहे वो आपने ट्रेलर में आपने देखा होगा फाइटिंग सीक्वेंस हमें दिखाए जाते हैं कि वहां पर एक जगह जिसका नाम संभाला है, वहां पर कॉम्प्लेक्स के लोग जो है वहां पर अटैक कर देते हैं, तो ये वाली जो फीलिंग आती है इस अटैक को, इस एक्शन सीक्वेंस को देखते हुए आपको फील होगा कि वो वकांडा जो आपने देखा होगा, वकांडा के जो लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए जिस तरीके की वो पावर शील्ड यूज करते हैं, जो उनके पास शील्ड होती है उसका जैसे यूज करते हैं, वही सेम फीलिंग आती है इस मूवी के अंदर। ये हो गई इस मूवी की कमियां। हैं कुछ एक और चीजें हैं उनकी भी हम बाद में बात करेंगे, मतलब इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे जो मुझे और ज्यादा लगता है कि वहां पर अच्छे से दिखाया जाना चाहिए था या फिर मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है उसकी हम बात करेंगे। तो अब अगर हम बात करें इस मूवी में अच्छा क्या है, तो देखो इस मूवी में सबसे अच्छी बात जो इसका मैं कह सकता हूं कि सेकंड हाफ या फिर कहूं कि 1 घंटा जो लास्ट का है वो काफी बढ़िया है, स्टोरी वाइज भी बात करूं या फिर उसके अंदर जो स्पीड पकड़ती है स्टोरी उसके अंदर या विजुअल वाइज या एक्शन वाइज वो काफी कमाल का रहता है। और यहां मैं कह सकता हूं इस पूरी मूवी के अंदर दो ही जो हैं एक्टर वो छाए रहे हैं, एक अमिताभ बच्चन जी हैं, दूसरे हैं कमल हसन, बहुत जबरदस्त उनका काम रहा है। हालांकि कमल हसन जी को थोड़ा बहुत ही टाइम दिया गया, स्क्रीन टाइम बहुत उनके पास कम है, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आए उनकी एक छाप छूट गई, वो हमारे जहन में रह जाते हैं कि यार हाँ यार क्या जबरदस्त किरदार रहा है इनका, इनको और ज्यादा इनको दिखाया जाना चाहिए था, इतना ज्यादा वो इंटरेस्टिंग लगता है। और उधर हम बात करें अश्वत्थामा का जो करेक्टर है जिनको प्ले किया अमिताभ बच्चन जी, वो बहुत ज्यादा कमाल करा है। अगर मैं कंपेयर करूं प्रभास वर्सेस अमिताभ बच्चन जी, बहुत जबरदस्त उन्होंने एक, आप देखिए 80-82 साल के एक इंसान जो एक ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन जी इनकी इतनी एज हो चुकी है, लेकिन वो आपको नजर ही नहीं आएंगे कि भाई इतनी ज्यादा एज के बाद वो एक डल नहीं, वो बिल्कुल भी डल नजर नहीं आ रहे, वो बिल्कुल भी स्लो नजर नहीं आ रहे, उनकी बहुत ज्यादा एक एक्टिव आपको देखने को मिलेंगे इस मूवी में। इतना बढ़िया करेक्टर उन्होंने प्ले किया अश्वत्थामा का, और मुझे लगता है कि अश्वत्थामा का जो करेक्टर
उनके ऊपर बहुत ज्यादा सूट किया है और शायद कोई एक्टर होते वो शायद उतना अच्छे से प्ले ना कर पाते। एक हाइट जो इसके अंदर 8 फुट उनकी दिखाई गई है वो वाकई में कमाल की है। मूवी में महाभारत के भी दृश्य दिखाए गए हैं और इतने जबरदस्त वो दृश्य हैं, आपका मन करेगा कि यार इनको एक बार फिर से दिखा दो, इतना बढ़िया तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना वो बहुत कमाल का है। फिर अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा की जो लड़ाई होती है वो बहुत बढ़िया है, दो जगह उनकी लड़ाई है वो दोनों जगह काफी कमाल की रहती है। मतलब वो वाली चीजें जो है ना मुझे इस मूवी में बहुत एक वन ऑफ द बेस्ट चीज मुझे लगी है कि यार फाइटिंग सीक्वेंस बहुत बढ़िया दिखाए हैं इन्होंने, इंटरेस्ट आ जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार 40 से 45 मिनट इस मूवी को मैं कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा बढ़िया रहे हैं, वो पैसा वसूल रहे हैं उन्होंने इस मूवी को बचाने का काम किया। फर्स्ट हाफ देखकर शायद आपको नींद आ रही होगी, वो नींद आपकी सेकंड हाफ में उड़ जाएगी क्योंकि जिस तरीके की चीजें हमारे सामने आती हैं, जो मूवी की स्टोरी है वो जैसे आगे बढ़ती है। प्रभास को लेकर यहाँ पे एक सरप्राइज रखा गया, हालांकि काफी लोग उसको कैच कर जाएंगे, फिर भी कैच कर जाएं तब भी आपको ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा जो एक सरप्राइज वहां पर खोलता है। नाग अश्विन जी का जो एक व्यू हमें देखने को मिल रहा है साइंस फिक्शन के साथ भारतीय मिथोलॉजी को जो कनेक्ट करके उन्होंने दिखाया वो बहुत ज्यादा कमाल कर रहा है। खासकर महाभारत का जो सीन इसमें हमें देखने को मिलता है वो चुम्बेश्वर लेवल का होता है, मतलब उसको मैं जितना बढ़ा चढ़ा कर बताऊं वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा, इतना बढ़िया मुझे लगा है। अब मूवी में जो मुझे चीजें खटकी हैं, काफी ज्यादा जो खटकी हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके ऊपर और फोकस किया जाना चाहिए था। जैसे कि सुमाती जो करेक्टर जिसको प्ले किया दीपिका पादुकोण ने, तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो है जिनको ये जन्म देंगे, यानी कल्कि को जन्म देंगे, तो भगवान ने इनके करेक्टर को यानी कि जो सुमाती उसको क्यों ही चुना, क्या रीजन था, उसके पीछे क्या कारण था, वो तर्क इसके अंदर नहीं दिखाए जाते। आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा माँ यशोदा माँ देवकी इन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण से जब कहा था कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मेरे जैसा तो पुत्र आपकी कोख से नहीं होगा, मैं ही स्वयं आपकी कोख से जन्म लूंगा। इसके लिए यशोदा माँ और देवकी माँ ने 100 साल तक तपस्या की थी, तब जाके उनकी कोख से भगवान श्री कृष्ण जो है वो अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो सुमाती जो करेक्टर है उसके पीछे कोई भी तर्क नहीं दिखाया जाता। आपने 2 घंटे तक वो क्रिंज कॉमेडी दिखा दी, वो आपने फ्यूचरिस्टिक व्यू दिखाया, इससे बेटर तो ये था ना कि आप वहां पर जो एक रीजन है एक कारण है वो उस चीज को अगर आप दिखाते सुमाती के पीछे भगवान विष्णु के 10वें अवतार को जन्म देने के, तो वो काफी बढ़िया रहता। एक दूसरा जो मुझे इस चीज में इस मूवी में जो कमी एक और नजर आई वो ये थी कि करण जो महाभारत में जो आपने देखा होगा करण उसमें उसको जो है काफी ज्यादा ओवर ग्लोरीफाई करना, खैर उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा वरना आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। इसके अलावा मूवी में आप कलयुग का अंतिम चरण दिखा रहे हो, चरम सीमा दिखा रहे हो, तो वहां पर अधर्म का एक जो चीजें दिखाई जानी थी उसको कम दिखाया गया। हालांकि मूवी के अंदर लोग जो है भगवान को भूल चुके हैं, मतलब काफी सारी चीजें इसके अंदर दिखाई जाती है कि हाँ शादी उनको नहीं पता है, काफी सारी चीजें वो भूल चुके हैं। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि यार यहाँ पर इन चीजों पर फोकस किया जाना चाहिए था लेकिन उनके ऊपर फोकस नहीं किया गया। खैर मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार आप जाइए, डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ जाके इस मूवी को देखिए, इतना कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। लास्ट का 1 घंटा तो आप डेफिनेटली इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो और इतनी भी कोई घटिया प्रोपेगेंडा इस मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया, मतलब इतनी भी क्या इसमें कुछ भी ऐसा घटिया प्रोपेगेंडा तो नहीं दिखाया गया जो बॉलीवुड की तरफ से हमें देखने को मिलता है। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।